हमारे YouTube चैनल Godlywood स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। स्वयं की पहचान बार बार कहने की क्या जरूरत है। मति भ्रमित होने का कारण, मोहवश होने का कारण है अपने आप को नहीं जानना। जैसे कि बार बार हम कहते हैं कि क्या करें, मेरा स्वभाव है क्रोध करना, कटु वचन बोलना, क्योंकि खुद के मूल स्वरूप को, आत्मा को और आत्मा के मूल गुण से अवगत नहीं है। तो स्वयं को जानना, पहचानना, समझना, अपने को अपने से जोड़ना, ये अति सरल विधान से समझाया है। ओम शांति। सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, जिसके एक नए दृष्टिकोण के बारे में हम एक हृदय स्पर्शी वार्तालाप स्वयं भगवान और अर्जुन के बीच में हुआ था, उसकी श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आप पहुंचे हैं कि हम भगवान के द्वारा जो सत्यता की पहचान प्राप्त करते हैं, प्राप्त हुई इस सत्यता की पहचान को कायम रखे, महसूस करें, तभी अंदर के महसूसता से हम बाहर दूसरों को भी उस सत्यता की पहचान अपने चलन के द्वारा, चेहरों द्वारा और अपने मन के प्रकंपनों द्वारा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आत्मा एक सत्य सनातन है, तो आत्मा के जो भी गुण हैं, सभी सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। उसमें जो डाइल्यूशन हम देख रहे हैं, आत्मा के जो सत्य गुण हैं, वो डाइल्यूट हो गए हैं। उसे फिर से अपने मूल स्वरूप में लाने के लिए धीरे धीरे हम अपने अंतर की यात्रा को स्थिर बनाए। उसके लिए पुनः पुनः गीताचार्य ये जो स्वयं की पहचान पक्का करा रहे हैं, मन में ये प्रश्न उठता है, क्या हम इतने बुद्धू हैं जो भगवान के एक बार समझाने पर हमें समझ में नहीं आता है? आंतरिक यात्रा में या अंतर मन को समझने में सच में हम एक छोटे बच्चे की तरह है। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ बाप बार बार पूछते हैं, बेटा तेरा नाम क्या है,
आए हुए सभी मेहमान पूछते हैं, बोलो तेरा नाम क्या है। स्कूल में भी बार बार पूछते हैं, तेरा नाम क्या है। इसका मतलब स्कूल में टीचर्स को, आए हुए मेहमानों को, घर में माँ बाप को उस बच्चे का नाम पता नहीं है क्या? पता होते भी क्यों बार बार पूछते हैं, ताकि बच्चे को ये पक्का हो जाए कि खुद का क्या नाम है ना। उसके मन में अपने नाम को पक्का कराने के लिए बार 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 पूछा जाता है, बताया जाता है, पक्का कराया जाता है। इसी तरह दुनिया भगवान की रचना है, हम उनके बच्चे हैं। तो भगवान गीताचार्य, सर्वात्माओं के पिता, समदर्शी, सर्वशक्तिमान, हमें अपने स्वरूप में स्थित कराने के लिए अर्जुन जैसे मनोदशा में भटके हुए लाखों करोड़ों मनुष्यात्माओं को सही रास्ता दिखाने के लिए बार 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 यही बात याद दिलाते हैं, आप एक आत्मा हो, आप एक सत्य हो, आप सनातन हो, आप अविनाशी हो। जब ये याद करते हैं, बारंबार इसकी स्मृति करते हैं, तो अपने अंदर जितना ज्ञान भरते जाते हैं, उतना ही अंदर से अज्ञान खाली होता जाता है। तो भरना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। कुछ युवकों ने एक बार एक पहाड़ी पर जाने की प्रोग्राम बनाए। 5-10 युवक मिलके एक घने जंगल में पहाड़ी पर चारण किए। जब ऊपर गए, वहां पर एक तपस्वी जी का आश्रम था। बहुत नयन मनोहर दृश्य था, सूर्यास्त तो देखने लायक था। सभी उत्साही युवक दृश्य देखते देखते मग्न हो गए, भूल गए समय कितना हुआ है। सूर्यास्त के बाद जैसे अंधेरा छाने लगा, जाके सोचे कि अभी तो नीचे जाना है, कैसे जाएंगे, घना जंगल। जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता भी भूल गए थे, अंधकार छा गया था। तो फिर से सभी मिलके तपस्वी जी के आश्रम में गए। तो तपस्वी जी ने कहा कि बस एक रास्ता दिखाया, यहाँ सा सीधे जाओ नीचे, वहां पर एक नदी का पात्र मिलेगा। नदी नहीं है, पानी नहीं है उसमें, नदी का पात्र मिलेगा, उसको क्रॉस करते हुए जाएंगे तो आप सीधे रोड पे पहुंच जाओगे। मतलब आप सही दिशा में पहुंच गए, समझो। मार्गदर्शन पाकर सभी युवक नीचे उतरे। वैसे भी अंधेरा हो चुका था, आहिस्ते आहिस्ते सभी नीचे आए, सही रास्ते पे आप पहुंचे, नदी का पात्र भी मिल गया। तो तपस्वी जी ने और एक बात कही थी, जब आप नदी के पात्र पर पहुंचोगे तो वहां पर कुछ जो भी मिलेगा आपको, आपको जितना चाहिए उस पात्र से उठा के ले जाना। तपस्वी जी की बातें जब सुने थे, तपस्वी है, उन्होंने कहा है तो यूं तो ऐसे ही नहीं कहा होगा, ऐसे समझकर युवकों ने, कुछ लोगों ने 1-2 पत्थर उठाए वहां से, कुछ लोगों ने अपने झोली में 10-15 डाल लिए, कुछ 1-2 ने जितना ज्यादा हो सकता है उतना पत्थर भर लिए और वापस आए। जब रोशनी में आके देखते हैं सवेरा होने के बाद, वो सारे पत्थर पत्थर नहीं थे, हीरे माणिक के पत्थर थे जो चमक रहे थे। तब सभी पछताने लगे, अरे हम और ज्यादा लाते तो अच्छा होता, और ज्यादा लाते अच्छा होता, हमने तपस्वी की बात रखने के लिए 1-2 उठा लाए, हमने अपने तकदीर पर आपे ही कुल्हाड़ी मार लिया, ऐसे कोसने लगे अपने आप। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा जंगल होगा, ये कौन सी नदी का पात्र होगा, हमें भी कुछ मिल जाता तो हम भी उठा लेते। मुझे भी पता नहीं है वो कहाँ है, कौन सी नदी है, लेकिन वास्तविकता ये है, हमारी जिंदगी एक बहती गंगा है। इसमें बहुत सारे ऐसे हीरे मोती माणक जितना चाहिए भरे हुए अनुभवों के खान है। आपकी झोली कितनी बड़ी है, उसमें जितना भी समाना चाहो आप समा सकते हो। अगर आलस्य कर दिए, यूं ही समय को गंवा लिए, समय बीत गया, कुछ नहीं अपनाया, तो फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा। क्योंकि ये तो गारंटी है, हम इस जिंदगी में शरीर रूपी वस्त्र धारण करके आए हैं, तो एक दिन शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर जाना भी है।
फिर ये ना हो जाए खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। हमारे स्थूल हाथ तो खाली जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हम अंदर से भी खाली होके ना जाए। इसलिए हमारे जिंदगी के इस रास्ते में स्वयं भगवान के द्वारा जो ज्ञान रत्नों की पूंजी हमें मिल रही है, इसमें जितना ज्यादा चाहिए उतना हम अपनाने का प्रयास करें, जिससे जब हम अंदर से भरते जाएंगे, अपने आप को ज्ञान निधि से संपन्न बनाते जाएंगे, तब अंदर में जो दुख है, कड़वापन है, असत्य है या देह भाव है, वो सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम अपने साथ क्या ले जाते हैं, जाना तो है ही, हरेक को जाना है, कौन ले जाता है, क्या ले जाते हैं। शरीरम यदवाप्नोति यच्छापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यदवाप्नोति यच्छापि उत्क्रामति ईश्वरः, जब इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करते हैं, शरीर के मालिक हम बनते हैं, जीवात्मा कहलाते हैं, उस समय हम अपने साथ, जैसे हवा अपने साथ सुगंध दुर्गंध जो भी है ले जाता है, इसी तरह हम भी अपने साथ आते समय भी ले आए थे, जाते समय भी ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे। इस शरीर के माध्यम से हमने जो भी कर्म किया, उन कर्मों के फुटप्रिंट्स जो है, कर्म फल जो है, वो हम ले जाएंगे, आते समय भी लेके आए थे। कोई खाली हाथ, वैसे स्थूल में खाली हाथ कहते हैं, लेकिन ऐसे कोई खाली नहीं आता है, आत्मा अपने साथ कुछ ले आया है, जिसके कारण ही कहते हैं ना, कोई लूला लंगड़ा बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, इसके कारण ऐसे हुआ है। तो पूर्व जन्म में जो किया है वो आया कहां से, किसने लाया? तो आत्मा अपने साथ अपने कर्मों के पूर्ण फल जो है साथ ले जाती है। आत्मा में अनलिमिटेड मेमोरी है, अनलिमिटेड स्टोरेज है, कितने भी वर्षों के, कितने भी जन्मों के रिकॉर्डिंग्स चाहिए, आत्मा में मौजूद है। इसलिए आत्मा में जो पुराने रिकॉर्डिंग्स हैं, उसमें जो अच्छा है उसको और अच्छा हम करेंगे, अगर कुछ बुरा है उसे मिटाने का प्रयास इस जिंदगी में अच्छे कर्मों के द्वारा हो सकता है। इसलिए गीताचार्य कहता है कि अगर आपको आगे के लिए अच्छाई ले जाना है तो इस जन्म में हम क्या करेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जब भी ये कलेवर माना इस स्केलेटन को जब हम छोड़ के चले जाते हैं, माना जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो इस शरीर को स्केलेटन कहते हैं, कलेवर कहते हैं। इस कलेवर को जब त्याग करके हम जाते हैं, तब हमारे मन में, बुद्धि में जो भावनाएं रहती है, जिस स्थिति में हम रहते हैं, उसी अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। कितना सुंदर और कितना महत्वपूर्ण बात है ये। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। शरीर त्यागने के समय जिस भावना से, जिस भाव से, जिस विचारों से हम शरीर त्यागते हैं, उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। बहुत अर्थपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है ये। देखिए, शरीर त्यागने के समय आर्टिफिशियली कोई कुछ याद नहीं कर सकता। पूरे जिंदगी में जिस बात की आदत पड़ी होगी वो ही अंतकाल में याद आए। इसलिए कहते अंत मते स एवं गते। अंत में जो मति होगी, जो स्थिति होगी, जो स्मृति होगी, उसी अनुसार आगे की गति प्रगति होगी। यूं कहे ठीक है, ये तो शरीर छोड़ने की बात है, अगर हम अपने जिंदगी में वर्तमान में आज के लिए इसे अप्लाई करें, जैसे कि आज हम रात को सोते हैं, सोते समय हम जिस भाव से सोते हैं, सवेरे उठते समय उसी भाव या उसी यादों से हमारा सवेरा होता है। इस बात की स्पष्टता के लिए छोटे एक बच्चे को ले लीजिए, एक 1.5 साल का बच्चा है,
छोटी सी बात में जिद पकड़ लिया, रोने शुरू हो गया, बहुत बहुत रोने लगा। कितना भी समाधान करने पर शांत नहीं हुआ, रोते रोते सो गया। बच्चे जिसे रोते समय ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हुए बच्चा सो गया। जब सवेरे उठता है तो भी इसी अवस्था में उठता है, 8-10 घंटा सोने के बाद भी, क्योंकि लास्ट में सोते समय बच्चा रोते रोते सोया था, तो सवेरे उठते समय भी रोएगा नहीं, फिर भी वो एक रोने की जो आवाज है उसी के साथ उसका आंख खुलेगा। अंतमते सैवम गते। हर रोज भी अगर हम हर रोज ही आदत डाल ले, रात को सोते समय हम ये सोचे, बात गई बीत गई, जो हो गया उसके लिए एक फुल स्टॉप लगा दे, अच्छे सोच एक मन में लाए, पूरे दिन के लिए भगवान को एक छोटा सा धन्यवाद दे। मन में प्रश्न उठता है, हम भगवान को धन्यवाद क्यों दे? अरे देखिए, रास्ते चलते अगर हम फिसल गए, गिर गए, किड हो गया, कोई रास्ते में चलता हुआ अनजान आके हमें उठाता है, सहारा देता है, पानी पिलाता है, तो हम कितने बार उन्हें धन्यवाद करते हैं। अरे भाई, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता, अच्छा किया आपने मुझे थाम लिया, मुझे इतना सहारा दिया, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कितने बार थैंक्स देते हैं, जब भी सामने मिलते हैं फिर से थैंक्स करते हैं, भले वो अनजान है, एक बार जिंदगी में गिरने से हमें बचाया तो हम कितना उनका आभार मानते हैं। तो भगवान जो इस दुनिया का रचयिता, हम सबका पिता परमात्मा है, सदैव हमारा भला चाहता है, सदैव हमें गिरने से बचाता है, हमें आतिथ्य देता है, ऐसे भगवान का एक छोटा सा धन्यवाद करेंगे तो इसमें भगवान की कोई भलाई नहीं है, लेकिन हम अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक शक्ति, एक धनात्मक शक्ति की महसूसता करेंगे, क्योंकि ये धन्यवाद करना एक दैवी स्वभाव है, आत्मा का मूल गुण है। इसलिए अंतकाल में जैसे कि हमने गीताचार्य से ये बात सुनी, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, है ना, उसकी आदत हम आज से डाल ले कि रात को सोते समय टीवी में कोई हॉरर शोस देखते या क्राइम डायरीज देखते नहीं सो जाए, क्योंकि ये जो देखते हैं इसका असर हमारे नींद पर, हमारी रूटीन लाइफ पर, हमारे सोच पर पड़ता है, जिसके कारण हम अंदर से अशांत होते हैं, दुखी होते हैं। इसके बदले अपने आप से बातें करें, पूरे दिन को एक बार रीचेक करें, सिंहावलोकन करें, आज दिन में क्या क्या हुआ, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए अपने आप से वादा करें, अगली बार ऐसे नहीं करूंगा, चेंज कर लूंगा अपने आप को, और अच्छे काम होने के लिए या करने की शक्ति देने के लिए भगवान को एक छोटा सा धन्यवाद करके अगर हम सो जाएंगे तो सवेरे आंख खुलते ही सकारात्मक सोच के साथ, मन की खुशहाली के साथ आंख खुलेगा, जो सारा दिन हमारा अच्छा ही जाएगा। हमारे पूर्वजों ने एक प्रथा बना के रखी है, जैसे सवेरे उठते हैं ऐसे दोनों हस्त मिला के कहते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले स्थिते गौरी, ऐसे याद करने की एक प्रथा बनाई है, और उठते ही सूरज को देखने का एक नियम बना के रखा है। यूं ही कोई अंधश्रद्धा के वश तो नहीं बनाया होगा। लक्ष्मी संपन्नता की निशानी है, सरस्वती अपने अंदर सीखने की भावना रखने की या अपने अंदर प्रकाशमय जीवन बनाने की, विद्या देवी है, विद्या मना प्रकाश है, वित्त धातु से, है ना, विद्या शब्द बनता है, वित्त शब्द से विद्या, विद्या मना प्रकाश, जिंदगी को प्रकाशित करने वाली सरस्वती है, और माँ गौरी जिसकी हम आराधना करते आए हैं, अन्नपूर्णा कहलाती है। ऐसे जो भी हम याद करते हैं उसमें कितनी सकारात्मकता भरा हुआ एक प्रेरणादायी चिंतन है। ठीक है, हम वो सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर बदलाव लाने के लिए, हमारे अंदर सत्यता की जागृता करने के लिए या सशक्तिकरण करने के लिए, आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए, रात को पहले हम अपने सोच को पावरफुल बनाएं, तो सवेरे उठते ही एक बहुत अच्छी सुंदर सकारात्मक सोच के साथ हमारा दिन शुरू होगा, तो डेफिनेटली वो दिन अच्छा ही जाएगा।
इसलिए गीताचार्य ये जो कह रहे हैं, इसमें एक तो हो गया डे टू डे लाइफ में आज से हम अपने में क्या बदलाव लाए, दूसरा ये भी है आजकल तो इंश्योरेंस का युग है, हर कोई इंश्योरेंस करता है, छोटी बड़ी सब चीजों का इंश्योरेंस होता है ना, सभी लोग इंश्योरेंस जरूर करते हैं। लेकिन जब हमें पता चल गया कि आत्मा की अनंत यात्रा है, शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने के बाद दूसरा एक शरीर हमें मिलता है, तो हम दूसरे माहौल में अपना अभिनय प्रस्तुत करने के लिए आ जाते हैं, तो हम अपने अगले नेक्स्ट जन्म के लिए, यूं कहे नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या कुछ इंश्योरेंस किए हैं? नहीं, किसी ने इसी के बारे में सोचा ही नहीं है। सोचिए, हम अपने साथ जो ले जाते हैं ना, वही इंश्योरेंस है नेक्स्ट जन्म के लिए, नेक्स्ट लाइफ के लिए। तो आज से ही शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लाइफ के लिए पूंजी, वो है थोड़ा सा समय हम अपने लिए निकालना, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये तो निश्चित है। आत्मा अविनाशी है, अनंत है, शाश्वत है, सत्य है, नित्य है, सनातन है। तो आत्मा का ये जो अनंत यात्रा है, इस यात्रा के दौरान बहुत सारे पड़ाव हमें पास करने होंगे। उसमें अभी का है, इस शरीर को हम जब त्यागेंगे तो दूसरा मिलेगा, उस समय हमारे पास क्या होगा, क्या लेके जाएंगे, तैयारी तो यहीं से करनी पड़ेगी। तो तैयारी के लिए हमें कुछ समय चाहिए। क्या 24 घंटे में से कभी 24 घंटा 25 बन जाएगा? क्या एक घंटा ज्यादा मिल जाएगा हमें? कभी नहीं होने वाला है। इसलिए गीताचार्य कहते हैं, अभी से हम अपने मन में अपने लिए कुछ जमा करने के लिए सोचे, वो है सद्भाव। सोच को ऊंचा बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, ज्ञान संपत्ति को अपने अंदर भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, तो अंदर में जो अज्ञान भरा हुआ है, असत्य है, वो अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि जितना भी असत्य अंदर भरा हुआ क्यों ना हो, सत्य का नाश कभी नहीं हुआ, भले वो दब गया है, तो दबा हुआ बाहर निकल आए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोज 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 अच्छे चिंतन, अच्छे विचार, सुविचार की पानी डालना पड़ेगा। इसलिए गीताचार्य कहता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। इसलिए शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस क्या अभी हम करने शुरू कर देंगे? अरे, मनुष्य तो शरीर छोड़ने से डरता है, एक बार करने के लिए ही डर रहा है, तो ये बार बार क्यों करेगा? नहीं, हमें शरीर त्यागने का अभ्यास करना नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना है, ये दुनिया हमारी कोई जागीर नहीं है, हमें छोड़ के जाना ही है। भले मैं अविनाशी हूं, लेकिन दृश्य तो बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, माहौल बदलता है, शरीर को बदलना है, तो मेरे अगले यात्रा के लिए मैं अपने आप को तैयार रखूं, इसके लिए मैं अपने अंदर की शक्तियों को उजागर करूं, अपने अंदर की सत्यता की भावना को शाश्वत बनाऊं, सामने वाले को भी इसी भावना से देखने का अभ्यास करूं। कोई कैसा भी है, वो अपना अभिनय प्रस्तुत कर रहा है, इसके लिए मुझे कोई नफरत की भावना अंदर में ना आए। ऐसा प्रयास जब करते जाएंगे, तो भगवान जो कहता है, आप अवश्य ही श्रेष्ठ महान मानव बन जाएंगे। इसके लिए ये छोटा सा प्रयास हम जारी रखेंगे। रात को सोते समय हम अपने मूल स्वरूप को जरूर याद करेंगे, साथ में विधाता का धन्यवाद भी करेंगे। ओम शांति। मित्रों, कितनी सुंदर युक्तियाँ दीदी जी हमारे समक्ष रख रही हैं। सचमुच में इंद्रिय सुख ने हमें कितना संकीर्ण बना दिया है। हम एक तरह से सारा दिन अपने ही सुखों के बारे में सोचते रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। आज परिवार के सदस्यों के साथ भी हमारा रिलेशन जैसे प्रोफेशनल हो गया है। हम खा पी रहे हैं, मौज शौक के हर साधन जुटा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेवारियाँ भूलते जा रहे हैं, जो हमारी स्वयं अपनी आत्मा के प्रति है, परिवार के प्रति है।
और एक तरह से समूल विश्व के प्रति है। आध्यात्म का महत्व ही हमारे जीवन में हमें हर पल अपने कर्तव्यों से अवगत कराना है, अपनी जिम्मेवारियों का संतुलन बनाए रखने की कला सिखाना है, और इस कला का आधार ही है मित्रों स्वयं की, परमात्मा की और कर्मों की गुह्य गति को समझना, जो हमें भगवद गीता बहुत स्पष्ट तरीके से समझाती जा रही है। तो आइए स्वयं को बूंद बूंद ज्ञान से भरकर निज जीवन का हर क्षण आध्यात्मिक आनंद से भरपूर बनाएं।